गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत करने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। सीधे लाइव तस्वीर दिखा रहा हूं, सुनाइए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्रीगण, केंद्रीय सचिव सभी उपस्थित थे और अच्छी समीक्षा हुई है और उसमें जो हम लोगों ने 9 महीने में नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ी है, डबल इंजन की सरकार का भी लाभ मिला है और 9 महीने के अंदर ही अनेक मुठभेड़ हुए हैं जिसमें से 194 नक्सली मारे गए हैं हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा और लगातार हमारे सुरक्षा बल और अधिकारी साहस दिखा रहे हैं तो उनका बहुत बहुत उनको बधाई देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और 9 महीने के अंदर में 801 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है और 742 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा से अच्छा उनको सुविधा दें और हमारे गृह मंत्री जी और डिप्टी सीएम बैठे हुए हैं विजय शर्मा जी, ये कई जगह जा रहे हैं, असम भी गए थे कि पुनर्वास नीति वहाँ की कैसी है, कैसे उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दे सकते हैं। तो इस पर भी मतलब हम लोग अवगत कराए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मतलब जो नक्सली हैं वो गोलीबारी की भाषा को छोड़ के आत्मसमर्पण करें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें। तो उनको प्रधानमंत्री आवास से लेकर अभी 2 दिन पहले ही हम बीजापुर गए थे और वहाँ पर 70 लोगों को नियुक्ति पत्र दे के आए हैं जो नक्सल पीड़ित परिवार के थे, उनको नौकरी लगाए हैं, इसके पहले भी कुछ लोगों को नौकरी दिए हैं। तो लगातार सरकार उनके साथ क्या अच्छा से अच्छा कर सकती है उसका प्रयास हमारी सरकार कर रही है। सर, लेकिन आज भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ की तारीफ की तो क्या माना जाए कि नक्सल को लेके जो छत्तीसगढ़ का मॉडल है वो अब देश भर में लागू होगा? हाँ, माननीय गृह मंत्री जी ने हमारी जो लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ उसमें उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। 9 महीने के अंदर वो भी 2 बार छत्तीसगढ़ गए हैं और हमारे सुरक्षा बल का हौसला अफजाई किए हैं और तभी इतनी बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ पाए हैं और उन्होंने सराहा है, तारीफ की है छत्तीसगढ़ की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सर, क्या जो फाइनेंशियल जो एक बैकअप होता है नक्सलियों को उसको कैसे ध्वस्त किया जाए, क्या इस मीटिंग समीक्षा बैठक में इसका जिक्र हुआ कि उसको कैसे? नहीं, उसको भी हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एकाध दो जगह पकड़ाए भी हैं, पैसा जब्ती भी हुआ है और विशेषकर तेंदूपत्ता वहाँ पर बस्तर क्षेत्र में और सरगुजा संभाग में जिससे 13 लाख वनवासी लोग जुड़े हैं और तेंदूपत्ता को हरा सोना भी बोलते हैं, आय का बड़ा एक साधन है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो सीधे उनके खातों में तेंदूपत्ता का पेमेंट हो ताकि जो इन लोगों के द्वारा लेवी वसूला जाता है तेंदूपत्ता वालों के साथ उसमें मतलब रोक लगे और इस साल हम लोगों को कुछ सफलता भी मिली है और आगे और प्रयास करेंगे कि ऐसे क्षेत्रों में बैंक की व्यवस्था और ज़्यादा हो ताकि मतलब 100% हम लोग उनको उनके अकाउंट में पैसा दे सकें। सर, आज की बैठक में क्या आपने केंद्र सरकार से और मदद मांगी है, फोर्सेस के रूप में हो या आधुनिक हथियारों के या सुविधाओं के बारे में बात की है सर, और आपने मुहैया कराने के लिए? हाँ, 4 बटालियन और दे रहे हैं छत्तीसगढ़ को और जैसे हम लोग एक नियत नीलानार योजना वहाँ पर शुरू किए हैं। नियत नीलानार गोणी भाषा में है, इसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गाँव और इसके अंतर्गत 9 महीने में मतलब लगातार 34 कैंप खुले हैं सुरक्षा कैंप और इसमें 96 गांव शामिल हैं और ऐसे 96 गांव में नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की सभी योजनाओं को 100% वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, वहां का राशन कार्ड
आयुष्मान कार्ड, जितनी भी सुविधाएं हैं व्यक्तिमूलक हो चाहे सार्वजनिक हो, सबको इस योजना के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है और वहाँ लगातार विकास के काम हो रहे हैं। सर, ये वाला जो नया सरेंडर पॉलिसी जो आने वाला है, बिकॉज दिस इज योर लास्ट अपील कि आप आ जाइए सरकार में, जो ये नहीं तो जो होगा, सर ये सर थोड़ा डिटेल्स बता दीजिए, नया सरेंडर पॉलिसी में क्या, हाउ इज इट डिफरेंट सर? एक तो देखिए, इनके लिए अलग से हम लोग प्रधानमंत्री आवास की मांग कर रहे हैं। जितने भी जो आत्मसमर्पण करके आएंगे उनको प्रधानमंत्री आवास में एक जगह, उनको जिला हेडक्वार्टर में जहाँ तक उनके लिए मकान बना के सुरक्षा के साथ उनको रखेंगे, उनको नौकरी देंगे। और भी अभी तो आएगी पॉलिसी, तब बहुत सारे उनके लिए अच्छे उसमें चीज रहेंगे। सर, 2026 का जो लक्ष्य रखा गया, 2026 तक नक्सल समाप्त कर जाएगा, क्या छत्तीसगढ़ उसके लिए पूरी तरह तैयार है, क्या वहाँ पर समाप्त हो जाएगा? बिल्कुल तैयार है। माने गृहमंत्री अमित शाह जी का संकल्प है कि मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को ख़त्म करना है। और अभी बड़ी तादाद में छत्तीसगढ़ में ही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पूरी तरह से इसके लिए तैयार है। डबल इंजन की सरकार और हमारे गृहमंत्री के आशीर्वाद से निश्चित रूप से उनके संकल्प को पूरा करने में हम लोग कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। सर, अभी जैसे हमने पीछे देखा है कि काफी नंबर्स जो नक्सल कार्डर्स होते हैं, आप लोग उनको एनकाउंटर्स में मतलब उनकी डेथ हो गई, तो क्या उनको सरेंडर करने का मौका दिया जाता है? बिल्कुल, इसके पहले मतलब उन पे जब फायर करती है, क्या नहीं हो तो कई बार बोल चुके हैं, सरकार बोल चुकी है, हम बोल चुके हैं, हमारे गृहमंत्री जी उनको बोल चुके हैं कि भाई आप ये गोलीबारी की भाषा छोड़ के आप सरेंडर करो, आपके साथ सरकार न्याय करेगी, ये बोल चुके हैं। जैसे आप ऑपरेशंस में जाते हैं, तो क्या उनको मौका? नहीं, उस समय तो अब वो सबका वक्त कहाँ रहता है कि कोई बातचीत हो उनसे। एक बार दोहराएंगे, जिस तरह से एनकाउंटर्स करे जाते हैं, इसको लेकर बहुत ज्यादा निंदा होती है, बहुत ज्यादा विपक्ष इसकी क्रिटिसिज्म क्रिटिसाइज करता है इस मूव को, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, 9 महीने में पहले सब बहुत होता था, एनकाउंटर होता था तो ये शिकायत आती थी कि सिविलियन मारे गए हैं, फिर ह्यूमन राइट्स वाले और दुनिया भर की एजेंसी वहाँ पर कूदते थे। लेकिन ये 9 महीने में एक बार विपक्ष प्रयास किया था कि सिविलियन मारे गए हैं, लेकिन दूसरे ही दिन नक्सलियों ने 29 लोगों का लिस्ट जारी कर दिया और उसमें एक एक नाम और कितने के इनामी थे सब जारी कर दिया। उसके बाद एक भी ऐसी शिकायत नहीं आई कि कोई सिविलियन मारे गए हैं। और इस बार पहली बार हुआ है कि पहले तो एकाध सिविलियन मारे भी गए तो बड़ा सबको दुख होता था, लेकिन जो उस क्षेत्र में जो लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, जो नक्सलियों से पीड़ित हैं, आईडी ब्लास्ट से किसी का पैर चला गया, किसी का हाथ चला गया, किसी की आँख चली गई, इनको कोई देखता नहीं था। लेकिन पहली बार वो लोग यहाँ पर आए, 55 से ज़्यादा संख्या में थे और अपनी व्यथा यहाँ पर बताए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को बताए, हमारे गृह मंत्री जी को बताए, यहाँ का जो यहाँ मीडिया जगत से भी उन्होंने मुलाकात की, और जो आपका यूनिवर्सिटी है JNU वहाँ भी गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से नक्सलवाद पर उनकी सरकार और केंद्र सरकार प्रहार कर रही है। इसके अलावा जो सियासत हो रही है उस पर भी जवाब दे रहे हैं कि पहले ह्यूमन राइट्स वाले दुनिया भर के सवाल उठाते थे, लेकिन अब देखिए पूरा काम सही ढंग से हो रहा है।